जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। जैसे कि आप लोग वीडियो के बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, रावण की जो पुतला है वो पार्क के अंदर खड़े हो चुके हैं। बड़े बड़े पार्कों के अंदर, पटना, दिल्ली, जयपुर, सारे पार्कों में। तो मैं अलग अलग करके अलग अलग हिस्सों का जो रावण दहन है वो वीडियो आपको दिखाते रहूंगा। तो चलिए, आज हम स्टूडियो में हमारे एक मेहमान है, एक एस्ट्रोलॉजर है, मनोज कुमार, जो कि एक महान एस्ट्रोलॉजर के साथ एक समाज शास्त्री है। तो उनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। कुछ आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं बिहार डेलीगेशन के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक। मनोज जी, जैसा कि रावण का दो पहलू है, एक तो रावण का नेगेटिव किरदार है जिसमें कि वो दुस्साहसी दिखाई पड़ता है, और वहीं रावण का एक पॉजिटिव किरदार है जिसमें वो एक महान ज्ञानी है, जो कि चारों वेदों का ज्ञानी है, छह शास्त्रों ज्ञानी है, इसीलिए उन्हें दशानन रावण भी कहा जाता है। तो आप अपना विचार कुछ रखना चाहेंगे रावण के बारे में? देखिए, रावण अपने समय का एक प्रकांड विद्वान था। उस समय मेरे ख्याल से उसके जैसा कोई विद्वान नहीं रहा होगा, और वह शंकर भगवान का महान भक्त था, और उसके जैसा कोई शंकर जी का भक्त ना हुआ है ना होगा। और उसने अपने अपनी तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी और शंकर जी से अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। इसके कारण वह महान शक्तिशाली राजा हुआ। लेकिन शक्ति और बल आने के कारण ही उसके अंदर अहंकार भी आया, जिसके कारण वह जो है अपने ही लोगों के साथ गलत करने लगा। जिसके अंदर उसका भाई कुबेर था, जो लंका जो थी वो उसके भाई कुबेर की थी, जो कि उसने उससे छीन ली। और पुष्पक विमान भी कहा जाता है कि उस समय का सर्वश्रेष्ठ विमान था, वह विमान देवताओं के पास भी नहीं था, तो वह विमान उसने कुबेर से छीना था। तो उस समय का वह एक महान विद्वान, एक बलशाली राजा था। जैसा कि मनोज जी ने आपको अभी रावण के कुछ जो पॉजिटिव किरदार है और नेगेटिव किरदार है दोनों से परिचय करवाया, तो मैं मनोज जी से ही जानना चाहूंगा कि रावण के कौन से ऐसे अच्छे किरदार है, कौन से अच्छे गुण है जो कि दर्शकों को यानी कि हम सबको सीखनी चाहिए? जैसा कि आज विजयदशमी है और हम इसको असत्य के ऊपर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैंगे, तो भगवान श्री राम भी राजा थे और रावण भी राजा था। भगवान श्री राम जो थे शक्तिशाली थे, तो राजा भी रावण भी शक्तिशाली था। अगर भगवान ने श्री राम ने अपनी पत्नी को लाने के लिए संघर्ष किया, अपना पति धर्म निभाया, तो वहीं रावण ने भी अपनी जो बहन थी शूर्पणखा, उसका बदला लेने के लिए उसने भाई धर्म निभाया। तो और रावण जो है भगवान श्री राम ने माता सीता के लिए अपना पति धर्म निभाया, तो वहीं रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपना जो है भ्रात धर्म निभाया था। और रावण जो था सीता माता को तो खा के लेके आया था, लेकिन उसने अपनी मर्यादा जो है उसका त्याग नहीं करा, और सीता जो है वह पवित्र थी,
उनके कैद में भी रहकर वह पवित्र थी, जिसके लिए रावण जो है आज भी महान, आज के संदर्भ में उसकी महानता कहलाई जाएगी। इस तरह मनोज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सीता सुरक्षित थी, पवित्र थी, तो उसमें सीता का जो अहम योगदान था उससे कहीं ज्यादा अहम योगदान रावण का भी था। तो कुछ ऐसे अच्छे गुण थे जो कि हम लोगों को रावण से सीखनी चाहिए, और कुछ ऐसे अवगुण भी थे जो कि बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। आज के रावण के पुतला दहन के साथ थी, उन अवगुणों को भी दहन कर देना चाहिए। तो ये कौन से अवगुण थे, ये भी मैं मनोज जी से ही जानना चाहूंगा। रावण के अंदर पहला अवगुण तो ये कहा जा सकता है कि उसको अपनी शक्ति का मद हो गया था, जिस कारण वह अहंकार, उसके अंदर अहंकार आ गया था कि पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, और वह अधर्म के रास्ते पर चलने लगा था। लेकिन अधर्म जो है वह 11 दिन तक नहीं टिका रह सकता है, इसलिए भगवान विष्णु को श्री राम जी का अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। और रावण का जो सबसे बड़ा अवगुण यही कहा जा सकता है कि वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा था, जिसके कारण वह जो है साधु संतों को परेशान करना, उनके यज्ञों में नुकसान करना, ये सब उसकी जो है दिनचर्या हो गई थी, और पृथ्वी पर उसका आतंक फैल गया था। तो आपने जाना मनोज जी से कि हमें किसी भी परिस्थिति में अवगुण को नहीं अपनाना चाहिए, अधर्म के मार्ग पे नहीं रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो हमें धर्म के मार्ग पे ही चलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मेहमान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।